शांति आपको बाप दादा की विशेष पसंद ही समझ आ गई कि उन्हें क्या पसंद है कि जो प्यार तो आप सभी करते हैं कोई ऐसा है जो कहे नहीं मेरा प्यार नहीं है प्यार तो सभी का है पर प्यार का रिस्पोंड कोई कोई देता है प्यार करना और प्यार निभाना फर्क होता है मुझे तुम्हें तो निछावर होना चाहिए कि प्यार वाले को जो पसंद नहीं वो मैंने करना नहीं और जो उससे पसंद वो मुझे करके दिखाना है तो जो ये व्यर्थ संकल्प है जो अपवित्रता की निशानी है तो इसके दो कारण हैं अभिमान अपमान इसका परिवर्तन कर लो ये तो अपने हाथ की बात है वैसे किस बात का अभिमान है मनुष्य मनुष्यात्मा सब कुछ तो बाप का है जो ज्ञान सुना कर आज आपको कोई सुन रहा है कोई देख रहा है कोई समझ रहा है वो भी बाप का है अपनी बुद्धि में तो ज्ञान था ही नहीं जब बाबा के बने तो बिना ज्ञान के थे आज जब बाबा के बने बाबा ने इतना ज्ञान दिया रोज उस पर विस्तार से समझाया रोज इतनी मुरलियां चलाई तो तो हमें ज्ञान कुछ स्पष्ट हुआ एबीसीडी पढ़ लेने से कोई पीएचडी थोड़ा कर लेता है कि हमने तो ज्ञान को समझ लिया लेकिन अगर पीएचडी करनी है अगर आगे टाइटल लगवाना है तो प्रैक्टिकल भी तो करना पड़ेगा ना हर चीज़ को प्रैक्टिकल यूज़ कर लेकिन अगर अभिमान ही आ जाएगा कि हाँ भाई मैं तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता हूँ मेरा तो ये होना चाहिए मेरा वो होना चाहिए कुछ नहीं बचेगा अंदर ही अंदर खाली होते जाएंगे क्यों क्योंकि अभिमान जैसे ही आता है तो अपमान बहुत जल्दी फील होता है और अपमान में व्यक्ति पांच विकारों के वशीभूत हो जाता है कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जो अपना पोजिशन को हो अपना नाम कहो मान को हो सब खो देता है और ये मनुष्य आत्मा समझ नहीं पाते फिर किस बात का अभिमान है और किस बात का अपमान फील कर रहे हैं जब आपका आपके पास कुछ है ही नहीं बहुत गहरा राज है इसीलिए बार बार कहा जाता है अपनी हर एक्ट पर एक बार जरूर रुकना और देखना क्या ये ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा को पसंद आ रही है तो भले करो फिर किसी से मत पूछना भले फिर कितनी देर में रियलाइजेशन किया एक दिन दो दिन हफ्ते महीने तो सोचो कितनी कमी अभी बाकी है एक माना दिल से रियलाइजेशन करने वाली आत्मा ना दिल से भी कहेगी ना बाबा कि सच में मेरा बाबा के सिवाय कोई नहीं है बाबा उसी घड़ी उसके लिए कुर्बान हो जाता है एक ही पॉइंट पर एक ही संस्कार जो हमारा नहीं बदल रहा है और बार बार आता है तो आपको समझ में आए जब गलती हमने पहली बार में की थी तो अच्छे से रियलाइजेशन नहीं किया इसीलिए वो आज भी वही चीज रोड़ा बनी हुई है ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकते बनेंगे तो है ही पर वो जो रियलाइजेशन होगा ना वो लास्ट में होगा और जब वो लास्ट में होगा तो खून के आंसू आते हैं समय अपने हाथ में नहीं आता है क्योंकि वो जो रियलाइजेशन होना है अभी तो क्या होता है कि कितना समझाने के बाद भी क्या कहते हैं चलो चलता है इतना होता है ये है वो कोई ना कोई पॉइंट अपने आप को देकर मक्खन मुखन लगा के हम अपने आप को रख लेते हैं सब नंबर वन ही क्यों नहीं बनते है ना सोचो ना सब के सब क्यों नहीं नंबर वन बनते प्यार तो सबका बहुत बेशुमार ही है प्यार कभी देखना जिससे आपका प्यार है जिस भी बच्चे से बच्ची से या अपने घर के किसी उतना ही प्यार एक्स्ट्रा प्यार आपका बाबा से है कौन है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जरूर देख लेना हर एक को पता है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है नहीं बाबा ही है बाबा ही है या मजबूरी से या सच में बाबा ही है ये बात जल्दी से समझ नहीं आती है लेकिन आने वाले समय में समय समझा देता है क्योंकि ये भूल जाते हैं कि देने वाला तो एक ही है मंजिल एक ही है लेकिन उस मंजिल को समझने के लिए भी तो रियलाइजेशन चाहिए ना कि हाँ मंजिल एक ही है दो तो विचार जरूर कर लें।